दिनों से मैं इस लाइक इसको इमेजिन करी थी इस दिन को कि आज मैं स्टेज पे आऊंगी एंड फाइनली लाइक 4 मंथ पहले की बात है, 4 मंथ पहले मैंने लाइफ का पहला सक्सेस डे अटेंड किया था एंड इसी त्यागराज स्टेडियम में अटेंड किया था। सो जब उस दिन मैं आई थी मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना था, देन उसको सुनने के बाद मेरे मन में आया कि दैट मुझे भी ना इस स्टेज तक पहुँचना है, इस स्टेज पर पहुँच कर अपनी लाइफ जर्नी लोगों के साथ शेयर करनी है एंड फाइनली बाय गॉड ग्रेस आज मुझे ये मौका मिल गया है एंड फाइनली मैं आज सब लोगों के सामने हूँ। सो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, घर वालों ने मुझे नाम तो दिया था, घर वालों ने मुझे नाम तो दिया था बट आज फॉरएवर ने इस नाम को पहचान दिया है। सो बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहूँगी, दिस साइड गुरनीत कौर, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, कोटा द एजुकेशन सिटी, जहाँ से बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, मैं उसी शहर से निकली हूँ। सो आज मैं आप सबके सामने ये नहीं कहूँगी दैट मेरा स्ट्रगल बहुत लोगों से डिफरेंट है, बट हाँ मेहनत ज़रूर की है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर में आने से पहले बहुत सारे स्ट्रगल देखे थे, लाइफ में एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि दैट अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। एंड लाइक मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी, मैं सब लोगों का जैसे ड्रीम करियर होता है सेम लाइक दैट मेरा भी एक ड्रीम करियर था, मुझे बचपन से फैशन डिज़ाइनर बनना था, बचपन से ड्रीम था कि मुझे बड़े होकर एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, बट कहते हैं ना लाइफ में जो चीज़ हम चाहते होते हैं हर बार हमें वो चीज़ लाइक अचीव नहीं हो पाती है ज़िंदगी में, सेम लाइक दैट मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई थी मेरे फादर को ना बिज़नेस में 6 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया था, 6 लाख रुपीज़ का लॉस होने के बाद मुझसे छोटा मेरा ब्रदर है, ही इज़ जस्ट 2 ईयर्स यंगर दैन मी एंड उसकी एंड मेरी स्टडीज़ दोनों की बराबर थी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि या तो मेरे फादर मुझे एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर मेरे ब्रदर को, तो एट दैट टाइम मैंने डिसीज़न लिया कि मेरा ब्रदर मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो मुझे अपनी लाइक ड्रीम को क्विट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी क्योंकि बचपन से ही सोचा था कि लाइफ में फैशन डिज़ाइनर बनना है बट वो ड्रीम मुझे अधूरा दिख रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। एंड फिर मुझे एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल रही थी बीटेक के लिए, फिर मैंने बीटेक करना सही समझा क्योंकि कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल रही थी, स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया, मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, 7 डेज मैं कॉलेज भी गई बट 7 दिन बाद मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, दैट्स वाई मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ चुकी थी एक छोटी उम्र में ही, 18 साल की उम्र से मैंने अर्निंग करना शुरू किया, अर्निंग करते हुए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, एज अ ट्यूटर घर पे भी पढ़ाने जाती थी, घर पे पढ़ाने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा अर्निंग और की जाए, पास के एक स्कूल के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया एज अ टीचर, वहाँ मेरी पहली टाइम सैलरी लगी दैट इज़ 5,000 रुपीज़ एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा था कि ठीक है 5,000 आ रहे हैं अब घर में थोड़ा मैं सपोर्ट कर पाऊँगी, सपोर्ट करने के साथ साथ फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना चालू किया। सो बिफोर ज्वाइनिंग फॉर एवर आई वॉज़ अ स्कूल टीचर फॉर 4 ईयर्स, ये 4 साल का स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ता गया, 4 साल मैंने और मन लगा के सोचा कि चलो स्कूल में पढ़ा के घर में थोड़ी हेल्प कर पाऊँगी, घर में हेल्प करी एंड फिर एक चीज़ आई घर में थोड़ी स्टेबिलिटी हुई तो थोड़ा होता है ना कि ईजी हो जाते हैं हम, मैंने कुछ और एक्सप्लोर करने का सोचा नहीं, करते गए एंड ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे स्कूल की, मेरी जो सैलरी थी जैसे कि सर ने भी बताया दैट इज़ ओनली बढ़कर 5,000 से 6,500 रुपये ही हो पाई 1.5 साल में, बट फिर भी मैं रुकी नहीं क्योंकि मन में था कि कुछ और भी करना है, बट कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर एक चीज़ आती है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सेम लाइक दैट मेरी ज़िंदगी में भी एक फेज़ आया दैट इज़ 2020, ये समय वो था जब मेरे हाथों से सब कुछ चला गया
In 2020, I lost my father due to pandemic. And उसके बाद मैं बिल्कुल बिखर चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में होगा क्या, बिकॉज ही वॉज द ओनली अर्निंग मेम्बर, ही वॉज द ओनली अर्निंग मेम्बर ऑफ माई फैमिली. एंड उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में. मैं 7 से 8 महीने डिप्रेशन में भी थी कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा. एंड फिर उसके बाद फॉरएवर मेरी जिंदगी में आई एंड फिर मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई. अक्टूबर 2021 में मैंने अपनी फर्स्ट 2CC कंप्लीट करी. एंड उसके बाद बहुत देखो दोस्तों, चैलेंजेस तो आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए. चैलेंजेस आने के बाद जैसे स्कूल था, फैमिली प्रेशर था और फॉरएवर भी थी साथ में. स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फॉरएवर में पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो पार्ट टाइम फॉरएवर का भी काम करना था. तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे करूँगी ये सब चीज़ें मैनेज. उस टाइम मेरे अप्लाइंस मिस्टर पारस असदेवा एंड मिस्टर मौसिम कुरैशी, जिनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने मुझे समझाया एंड मेरी टीम को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प करी. एंड मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया कि टाइम को कैसे मैनेज करना है. टाइम मैनेज करते करते मैंने पार्ट टाइम में अपनी स्टडीज़, मेरी बीटेक की स्टडीज़ थी वो चलते चलते, स्कूल की जॉब करते करते एंड फॉरएवर को करते करते मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया फरवरी के अंदर. एंड उसके बाद मैं बहुत प्राउड के साथ बताना चाहूँगी दैट मैंने मार्च 2021 में अपना असिस्टेंट मैनेजर भी कंप्लीट किया. एंड जिस लड़की के लिए 1 लाख रुपीज़ की इनकम एक ड्रीम हुआ करती थी, उसने अप्रैल 2022 में अपना मैनेजर लेवल भी कंप्लीट किया. एंड फ्रेंड्स, सक्सेस इज़ अ जर्नी फ्रॉम अ स्कूल टीचर टू 6-figure earner. यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, ये सब कुछ मेरे लिए एक ड्रीम था जो मैंने शायद कभी सपने भी नहीं सोचा था. अपने पापा को खोने के बाद मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ रुक गई है, शायद मैं अब कभी लाइफ में कुछ और नहीं कर पाऊँगी. बट फॉरएवर ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है. एंड आज जो कुछ भी हूँ, आज मैं अपनी टीम को एंड लाइक मेरी अचीवमेंट हुई है कार प्लान की भी, दैट इज़ ऑन जून 2022. एंड ये मैंने विद इन जस्ट 10 मंथ्स किया है. एंड मैं थैंक्स कर एंड आई हैव परचेज माय ड्रीम फ़ोन, जो कि मेरे लिए ड्रीम हुआ करता था, आईफोन 13 प्रो मैक्स. मेरे लिए एक ड्रीम था कि मैं कभी लाइक एप्पल का फ़ोन जो लेटेस्ट है वो चला भी पाऊँगी. एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माई टीम एंड माई मेंटर्स, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. आज मैं अगर आप सबके सामने स्टेज पर खड़े होकर बोल भी पा रही हूँ ना, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स एंड माई टीम. एंड एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट अगर मैं इतनी परेशानियों के बाद भी यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, इतने स्ट्रगल को देखने के बाद भी, तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं इस स्टेडियम में, आप सब भी कर सकते हो, आप सब लोग भी अचीवमेंट्स कर सकते हो. सो एक लाइन मैं कहना चाहूँगी जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वक्त से लड़कर नसीब बदल दो, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे. कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे. थैंक यू सो मच.